बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या है? हिंदी में भी आप पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, संस्कृत में भी उपसर्ग है। तो उपसर्ग किससे कहते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी संज्ञा विशेषण के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में एक परिवर्तन ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं और संस्कृत में उपसर्ग को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार से है। शब्दों अथवा धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। अर्थात उपसर्गों के प्रयोग से मूल शब्द अथवा धातुओं के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद नियंत्रिते नियते प्रहार हार संहार विहार परिहारवत्। अर्थात यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से जो हार शब्द है उसमें विभिन्न उपसर्ग लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उससे एक नए शब्द की रचना होती है, अलग अलग विभिन्न शब्दों की रचना होती है, प्रहार आहार विहार संहार, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि केवल हार शब्द में विभिन्न उपसर्ग जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से और समझते हैं, जैसे उपसर्गों के जोड़ने से अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने शब्द लिया हार, अब हार शब्द का अर्थ होता है माला, है ना। अब इसमें अगर प्र उपसर्ग जुड़ जाता है तो शब्द बन जाता है प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर आहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है भोजन, और इसी प्रकार हार शब्द में सम उपसर्ग लगता है तो सम धन हार बन जाता है संहार, जिसका अर्थ होता है मारना। अब इसी में हम वी उपसर्ग लगा देते हैं तो वी धन हार शब्द बन जाता है विहार, विहार का अर्थ होता है घूमना फिरना। तो ये हमने देखा कि उसके अर्थ में कितना अधिक परिवर्तन हो गया, प्रहार बना तो उसका अर्थ हुआ मारना और विहार का अर्थ हुआ घूमना फिरना। उसी प्रकार से परि उपसर्ग जुड़ता है तो शब्द बन जाता है परिहार, जिसका अर्थ होता है सुधार करना या फिर त्याग करना। और इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से उनके शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। अब संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है, ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया है। तो आज हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से शब्दों से जोड़कर, उपसर्गों से जोड़कर शब्द निर्माण करेंगे और उनका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो कुछ उदाहरण मैं आपको समझाऊंगी। पहला जो उपसर्ग है वो है प्र, है ना। प्र से हम शब्द बनाते हैं प्रभवती, प्रकर्ष, है ना, प्रयत्न, प्रादुर्भवती, है ना। तो ये शब्द बनते हैं। अब इसका हम वाक्य प्रयोग अनेक तरीके से कर सकते हैं, गंगा हिमालयात प्रवहति, या फिर तस्य प्रयत्न कदापि वृथा न भविष्यति, है ना। इस प्रकार से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। परा का कर सकते हैं, परा उपसर्ग का शब्द हम बना सकते हैं पराजयते पराभवति, है ना। इसके वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, राम राक्षसान पराजयते। अप उपसर्ग है, अप का हम शब्द बनाते हैं अपहर्ति अपकरोति, इसमें हम वाक्य प्रयोग भी अलग तरीके से कर सकते हैं, दुष्ट सज्जनान सदैव अपकरोति। इसके बाद सम का हम शब्द बना सकते हैं संस्करोति संगच्छते, अध्यापक छात्रान संस्करोति। फिर अनु का बना सकते हैं अनुगच्छति अनुसरति, है ना, शिष्यम गुरुम अनुसरति। फिर अव का बना सकते हैं अवगच्छति अवतरति, पाणिनि व्याकरणम अवगच्छति। फिर निर का निर्गच्छति निराकरोति, है ना, अधिकारी स्वकार्यालयात निर्गच्छति। फिर निशब्द उपसर्ग है, उसे हम शब्द बनाएंगे निश्चयम, है ना, निस्सरति। देवाः परोपकारस्य निश्चयम कुर्वन्ति, दुस्साध्य दुस्साध्यम प्राणिनां स्वभाव दुस्त्याज्य भवति। दुर शब्द है, दुर उपसर्ग है, उससे शब्द बना दुर्बोध्य दुर्लभम, है ना, विद्यारत्नम संसारे दुर्लभम वर्तते। फिर वी शब्द है, वी उपसर्ग है, वी उससे शब्द बना विजयते विहरति सत्यम सदा विजयते। आंग है आकंठम आजीवनम, इससे शब्द बना है तस्मै आजीवनम कारावासम प्राप्तम। फिर नी उपसर्ग है, इसे निगदति निपतति शब्द बना है और उसका वाक्य प्रयोग हो गया बालकः मातु क्रीडात क्रोधात
अधा निपतति, अधि उपसर्ग है, अधिराजते अधिशेते शब्द बना है, इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं विद्वान सर्वत्र अधिराजते, अति उपसर्ग है अतिकथनम अत्याचार, अत्याचार कदापि न कर्तव्य, फिर सु शब्द उपसर्ग है इससे सुपुत्रेण सुगंधेन है ना, तो इससे हम सुपुत्रेण कुलम शोभते, फिर उद उपसर्ग है उद्यते उत्थानम दीन जनानाम उत्थानम पुण्यम भवति, फिर अभी उपसर्ग है अभिगच्छति अभ्यागत अभ्यागत सर्वे अभ्यागत सर्वे सदा पूजनीय, फिर प्रति उपसर्ग है प्रत्युपकार है ना, प्रति देखियो प्रति उपसर्ग में कैसे शब्द बना है प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार है ना, प्रत्यवदत जिसमें हम वाक्य प्रयोग बना सकते हैं संसारे जने प्रत्युपकार सदैव कर्तव्य, फिर परि उपसर्ग है परि उपसर्ग का शब्द बना सकते हैं हम परित्यज्यामि परिवर्तनम, तो संसारे परिवर्तनम भवती है ना, जनजीव विद्या इसमें हम बता सकते हैं विद्या से भी विद्या जनजीवने परिवर्तनम भवती, फिर उप है उप उपसर्ग से उपगच्छति उपहरती, पुत्र भोजनार्थ मातरम उपगच्छति पुत्र भोजन के लिए माता के पास जाता है, फिर अपि अपि से हम शब्द बना सकते हैं अपि दधाति है ना, फिर अप्य ध्यानम जिससे हम वाक्य प्रयोग बना देंगे आप अग्नो सामग्रीम अप्याधानम सदैव कर्तव्यम, तो हमने देखा कि धातु में उपसर्ग जोड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और हम इसी प्रकार से उसकी शब्द रचना कर सकते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।